हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोजन मेडिटेक एंड रविंद्र पाठक। मैं आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको सिम कार्ड से रिलेटेड, उज्बेकिस्तान सिम कार्ड से रिलेटेड। अगर आप उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब हम लोग जाएंगे तो सिम कार्ड लेना है, सारी चीजें, जब बच्चा कुछ भी प्लानिंग करता है तो पहले से बहुत सारी चीजें जो उनके मन में थॉट आता है, तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि अगर आप उज्बेकिस्तान में जाते हैं और सिम कार्ड से रिलेटेड किसी तरह की थॉट है आपके मन में, तो देखिए सिम कार्ड आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे मिल जाता है। जब आप यहाँ से जाते हैं, आपकी फ्लाइट लैंड होती है, आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, इमिग्रेशन करके क्लियर करके बाहर निकलते हैं, तो टूरिस्ट हेल्प सेंटर है वहाँ पे, जिसे हम हेल्प डेस्क बोल सकते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं सिम कार्ड के लिए, उनको बोलते हैं, वो आपसे पासपोर्ट मांगता है, आप पासपोर्ट देते हैं, वो थोड़ी देर सारी चीज़ें चेक करता है, एंट्री करता है, वेरीफाई हो जाता है। जब वो लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर वो आपको सिम कार्ड प्रोवाइड करता है और सिम कार्ड एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि जितने टाइम में वो आप पासपोर्ट देते हैं, एंट्री वगैरह करता है, वो फिर एक्टिवेट करके ही आपको देता है। आप सिम कार्ड जैसे अपने फ़ोन में डालते हैं और वो स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स कि आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉल के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन जो वो देता है आपको सिम कार्ड, उसमें अराउंड $10 चार्ज करता है। जो मैंने लिया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने $10 में सिम कार्ड लिया था जिसमें मुझे 7 GB इंटरनेट मिला था। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, $10 इट मीन्स कि 790 उस टाइम 80 का डॉलर था, 800 के आसपास मुझे एक सिम कार्ड मिला और जिसमें मुझे सिर्फ 7 GB नेट मिले। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, उज्बेकिस्तान में नेट काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगा है वहाँ का इंटरनेट, और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अगर एयरपोर्ट के बदले मैं बाहर से बाय करता तो थोड़ा मुझे सस्ता मिलता। लेकिन बोलना आसान है क्योंकि हम नई कंट्री में जाते हैं और हमें कहीं पता नहीं होता कि हम किस शॉप पर जाएंगे और क्या प्रोसेस होगा, लेकिन सामने के सामने हम निकलते हैं और हमें लगता है कि अभी हम सिम ले लेंगे, सिम बाय कर लेंगे और हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, टच में आ जाएंगे, तो हमारे लिए 200-300 रुपये जो हम एक्स्ट्रा भी पे करते हैं तो वो मायने नहीं रखता है। बिकॉज गाइज, जब हम यहाँ से जाते हैं, जब तक हमारी फ्लाइट टेक ऑफ होती है और लैंड नहीं होती और हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर लेते हैं, हम भी वरीड रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे को लेकर वरीड होंगे और पेरेंट्स भी वरीड रहते हैं कि बच्चा पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया है। इसके अलावा गाइस एक चीज़ और है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको बताना, कि अगर आप उज्बेकिस्तान जा रहे, मान लीजिए आप स्टडी के लिए जा रहे, तो आपको लॉन्ग टाइम तक वहाँ रहना है, 6 साल रहना है, तो आप जब भी सिम कार्ड लेते हैं, सिम कार्ड लेने के बाद विद इन मंथ 2 मंथ में आप उसको पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड जरूर करा ले। अगर आप नहीं कराते तो सिम कार्ड आपका बंद हो जाएगा, बिकॉज वहाँ का एक प्रोसेस है कि आप जब सिम कार्ड खरीदते हैं तो वहाँ से उसके बाद आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट का स्कैन कॉपी दे के रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना होता है। तो आप अगर स्टे कर रहे हैं वहाँ पे, स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सिम कार्ड बाय करते हैं, आप एयरपोर्ट से करें या कहीं से भी करें, तो जब भी आपको विद इन मंथ टाइम मिलता है आप पोस्ट ऑफिस में सिम कार्ड को रजिस्टर्ड जरूर करवाएं। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक को चाहिए उज्बेकिस्तान एमबीबीएस स्टडी से रिलेटेड, उज्बेकिस्तान से रिलेटेड, आप कमेंट के थ्रू या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। एडमिशन अगर आपको लेना है उज्बेकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, बीएड भोजन मेडिटेक ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर है, आप एडमिशन के लिए भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।